मुंबई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फायरिंग, 2.5 लाख की लूट, एक बैंक कर्मचारी की हुई मौत। एमएसबी पुलिस स्टेशन की हद में स्थित दहिसर के एसवी रोड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दहिसर ब्रांच में बुधवार शाम 4 बजे फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक प्राइवेट कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि सिक्योरिटी गार्ड घायल बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार दो नकाबपोश बैंक के अंदर घुसे और बैंक में मौजूद संदेश गुमरे नामक कर्मचारी के पास रखे कैश से भरे बैग को खींचने लगे। जब कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो नकाबपोश ने फायरिंग कर दी। बैग लेकर वहां से फरार हो गए, लेकिन बैग लेने से पहले लुटेरे ने संदेश को एक गोली सीने में दाग दी। जानकारी के अनुसार लुटेरे पैदल आए थे और 2.5 लाख कैश लूटकर फरार हो गए, जबकि बैंक कर्मचारी संदेश 25 वर्षीय की मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रवीण पडवल ने बताया कि संदेश की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है, जबकि लुटेरे 2.5 लाख लेकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इस मामले की जांच में पुलिस ने 8 टीम लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। तकरीबन दोपहर में 3:30 का समय था, 15:18 का टाइम था, और हम लोग, मैं जस्ट मेरे टावर के बाहर बैठा हुआ था और एकदम सुनसान एरिया था, कुछ कोई था ही नहीं। जनरली दोपहर के टाइम यहाँ कुछ रहता ही नहीं है, और उतने में मैं देख रहा हूँ कि दो लोग भाग रहे हैं यहाँ से, तो हमें नॉर्मल ऐसे लगा। जनरली बच्चे लोग कुछ भागते रहते हैं, और 2 से 3 मिनट के बाद देख रहा हूँ तो हमारे पास के SBI बैंक में ऐसा हादसा हो गया, और 3 से 4 मिनट के टाइम में इस तरह का हो गया। पता चला कि बैंक के अंदर एक कर्मचारी को गोली भी मार के, और अभी फिलहाल शताब्दी हॉस्पिटल उसको लेके गए, शायद तो वो डेथ हो गए ऐसा सुनने में आ रहा है। जो लोग भाग रहे थे उनकी हलिया कैसी थी? कैसी सर, एक ने टोपी पहना हुआ था, वाइट शर्ट था, एक पहले लड़का भाग रहा था, फिर उसके पीछे जस्ट 30-40 सेकंड में दूसरा उसके पीछे भाग रहा था। भाग के लोग दोनों जा रहे थे। क्या हुआ था यहाँ के? सर ये तो मुझे अंदर गए वो लोग, क्योंकि दोपहर के 3:30 क्लोजिंग टाइम रहता है बैंक का, और क्लोजिंग टाइम में जनरली कोई रहते नहीं है, वही टाइम पे ये हुआ है। जिसको गोली लगी उसका नाम आपको? सुनने में आ रहा है संचित करके एक आदमी था अंदर, संचित, उसको गोली लगी हुई और उसको शताब्दी हॉस्पिटल लेके गया हुआ है। आपका नाम क्या है? प्रवीण मकवाना, मैं यहाँ ही गुरुकुल टावर में रहता हूँ। NHB कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एरिया में दोपहर को 3:25 के आसपास SBI के ब्रांच में दो आरोपी घूम गए थे। उसमें से एक ने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले एम्प्लॉय थे उनके ऊपर फायरिंग किया, और कैशियर के पास में कैश थी लगभग 2.5 लाख के आसपास, वो लेकर वो चले गए हैं। और इस घटना में जो एम्प्लॉय थे उनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है। पुलिस यहाँ पर तुरंत पहुँची है, हम लोग ने CCTV फुटेज देखा है, और आरोपी को डिटेक्शन के लिए उनको ढूंढने के लिए हम लोग ने 8 टीम अभी लगाई है, और हम लोग जल्दी उनको ढूंढ के निकाल। सर कितनी राउंड फायरिंग की है? एक ही राउंड फायरिंग। सर किस तरीके से आए थे, कुछ उसके बारे में कुछ? अभी तो फिलहाल चल के आए ऐसा दिख रहा है, और कोई व्हीकल का यूज़ किया है वो भी हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। ठीक सर, ठीक।